हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में मैं बेसिक केमिस्ट्री का पहला क्लास लेके आया हूं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगेगी और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट पॉइंट को आप याद करिए और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ जिससे नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो ये सभी जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको मैंशन करूँगा और दोस्तों अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि नेक्स्ट जब वीडियो ऐड करूँगा यानी इसका सेकेंड पार्ट तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के प्रॉपर्टी संगठन संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है जिसका अर्थ है काला रंग मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टैचिंग कहा जाता था प्रारंभ में रसायन विज्ञान जो है वो एक कला के रूप में आया था सामने लेकिन दोस्तों रसायन विज्ञान आज कला नहीं प्रायोगिक विज्ञान है लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति पदार्थ जिसे मैटर कहते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो पदार्थ कहलाता है जैसे उदाहरण के रूप में जल हवा बालू आदि प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं पांच तत्वों के सहयोग से बनी है यह पांच तत्व है क्षति जल पावक गगन एवं समीर भारत के महान ऋषि कड़ाट के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल से बने हुए हैं जिसे परमाणु कहा गया है पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा जाता है नंबर एक ठोस नंबर दो द्रव और तीसरा है गैस इसके बाद है रासायनिक वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण को भी दो भागों में बांटते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण इसमें शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं तत्व और यौगिक जिसमें तत्व दो प्रकार का होता है धात्विक और अधात्विक और यौगिक भी दो प्रकार का होता है कार्बनिक और अकार्बनिक इसके बाद मिश्रण भी दो प्रकार से बांटते हैं जिसमें एक समांग मिश्रण और दूसरा विषमांग मिश्रण होता है दोस्तों ये वर्गीकरण जो है भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण इनको आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें पहला भौतिक वर्गीकरण जिसमें ठोस पदार्थ जिसे सॉलिड कहते हैं पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो थो, ठोस कहलाता है जैसे लोहे की छड़ लकड़ी की कुर्सी बर्फ का टुकड़ा आदि द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो जैसे अल्कोहल पानी तारपीन तेल मिट्टी का तेल आदि इसके बाद है गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है जैसे हवा ऑक्सीजन आदि गैस को आसानी से संपीडित किया जा सकता है क्योंकि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है आगे है जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से होता है ठोस द्रव गैस इसका उदाहरण जल है कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं जिसे उर्ध कहते हैं जैसे आयोडीन कपूर आदि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन सेट है इसके बाद आगे बढ़ते हैं रासायनिक वर्गीकरण में तत्व जिसे एलिमेंट कहते हैं तत्व तो वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है जैसे सोना चांदी ऑक्सीजन आदि इसके बाद यौगिक है जिसे कंपाउंड कहते हैं वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं यौगिक कहलाते हैं उदाहरण जल जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक कर होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है लेकिन इन दोनों का यौगिक जब बन जाता है तो उसी आपको बुझाने का काम करता है इसके बाद नेक्स्ट है मिश्रण जिसे इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है जैसे हवा मिश्रण दो प्रकार के होते हैं नंबर वन समांग मिश्रण जिसे होमोज़ीनस मिक्सर कहते हैं निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन हवा आदि इसके बाद नेक्स्ट है विषमांग मिश्रण जिसे हाइड्रोजिनस मिक्सचर कहते हैं अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उसके संगठक भिन्न भिन्न होते हैं जैसे बारूद कुहासा आदि इसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनके प्रतिशत कितने कितने हैं दोस्तों इसमें ऑक्सीजन जो है वो सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट है सिलिका जो है वो ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट है एल्यूमिनियम एट पॉइंट वन थ्री परसेंट लोहा फाइव परसेंट कैल्सियम थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट सोडियम टू पॉइंट थ्री परसेंट पोटेशियम टू पॉइंट फाइव नाइन परसेंट मैग्नीशियम टू पॉइंट जीरो नाइन परसेंट टाइटेनियम जीरो पॉइंट फोर फोर परसेंट और हाइड्रोजन जीरो पॉइंट वन फोर परसेंट और टोटल मिला के प्रथम दस तत्व 99.14 नाइन पॉइंट वन फोर परसेंट होते हैं इसके बाद हम थोड़ा जान लेते हैं सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा कितनी होती है ऑक्सीजन सिक्सटी फाइव परसेंट होती है कार्बन अठारह परसेंट हाइड्रोजन दस परसेंट नाइट्रोजन तीन परसेंट कैल्शियम दो परसेंट फॉसफोरस एक परसेंट पोटेशियम ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव परसेंट सल्फर ज़ीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट सोडियम जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट क्लोरीन जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट मैग्नीशियम ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव परसेंट लोहा ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फोर परसेंट और अन्य तत्व जो हैं वह ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स परसेंट होते हैं जैसा कि हमें पता चला दोस्तों हमारे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा सिक्सटी फाइव परसेंट पाया जाता है इसके बाद हम जानते हैं मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ जिसमें पहला है क्रिस्टलाइजेशन जिसे रवाकरण कहते हैं इस विधि के द्वारा अकार्बनिक सॉलिड मिश्रण को अलग किया जाता है सॉलिड मतलब ठोस जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को एथाइल एल्कोहल में थ्री फोर्टी एट ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों वीडियो में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोग को दिख रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं और अगर मुझे कमेंट में ही अगर बता पाऊंगा तो अच्छा है नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए इसके बाद नेक्स्ट विधि है आसवन विधि जिसे डिस्टिलेशन करते हैं जब दो द्रवों के क्वनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं अर्थात यह द्रव के मिश्रण को अलग करने की विधि है इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन एवं दूसरा भाग संघनन जिसे कंडेंसेशन कहते हैं के द्वारा अलग किया जाता है उर्धपोतन जिसे सब्लिमेशन करते हैं इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग कर सकते हैं जिसमें एक ठोस उर्धोपोतित हो दूसरा नहीं इस विधि से कपूर नेफ्थलीन अमोनियम क्लोराइड आदि को अलग कर सकते हैं नेक्स्ट है आंशिक आसवन जिसे फ्रेशनल विश्लेषण कहते हैं इस विधि से ऐसे मिश्रित द्रव को अलग करते हैं जिनके कोथनांकों में बहुत कम अंतर होता है खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल पेट्रोल मिट्टी तेल कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है बाद नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी जिसे हिंदी में वर्ण लेखन कहते हैं यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषण पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट विधि है भाप आसवन जिसे स्टीम विश्लेषण कहते हैं इस विधि में कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वेपराइज होता है इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वनांग पर अवघटित हो जाते हैं जैसे एसीटोन मिथाइल अल्कोहल आदि इसके बाद पदार्थ की अवस्था परिवर्तन द्रवणांग जिसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाप पर तथा नियत ताप पर होता है यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांग कहलाता है इसके बाद नेक्स्ट है हिमांग जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं किसी विशेष दाप पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है सामान्यतया पदार्थ का द्रव द्रवणांग एवं तो हिमांक का मान बराबर होता है जैसे बर्फ का द्रवणांग एवं तो हिमांक जीरो डिग्री होता है अशुद्धियों की अनुपस्थिति में पदार्थ का हिमांक एवं द्रवणांग दोनों कम हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट है कोथनांग जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं नियत ताप पर जब कोई द्रव उबल कर अवस्था से अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का कोथनांग कहलाता है दाब बढ़ने से द्रव का क्वनांग बढ़ जाता है और दाब घटाने से द्रव का कोथनांग घट जाता है दोस्तों हमारे देश में सत्ताईस से लेके बत्तीस डिग्री तक का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है इसके बाद नए चैप्टर पे हम बात करते हैं परमाणु संरचना की दोस्तों परमाणु संरचना में परमाणु सबसे पहले पढ़ते हैं जिसका इंग्लिश में नाम है एटम परमाणु जो है वह तत्वों का वह छोटे से छोटा कण है जो Dakar, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परमाणु कहलाता है इसके बाद नेक्स्ट है अणु जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं अणु जो है वो तत्व का तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है इसके बाद नेक्स्ट परमाणु भार जिसे एटॉमिक वेट कहते हैं किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन बारह के परमाणु के एक बट्टे बारह भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के एक दशमलव जीरो जीरो आठ भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है अणुभार जिसे मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन बारह के एक परमाणु के एक बट्टे बारह भाग से कितना गुना भारी है बीसवीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे जे थाम्सन रदरफोर्ड जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः तीन मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार लगभग पे बराबर होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का भार जो है नाइन पॉइंट वन जीरो नाइन फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी एट होता है इसके बाद है मोल धारणा जिसे मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन बारह आइसोटोप के ठीक बारह ग्राम के परमाणु की संख्या है एक मोल बराबर सिक्स पॉइंट ज़ीरो टू टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री होता है और यही एक मोल जो है वो आवगड्रो संख्या के बराबर है इसके बाद नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटान की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है जिसे मास नंबर कहते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटानों और न्यूट्रानों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटानों की संख्या प्लस न्यूट्रानों की संख्या अगर हमें प्रोटानों या न्यूट्रानों की संख्या ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान में से दूसरी संख्या को माइनस करनी पड़ती है इसके बाद नेक्स्ट है क्वांटम संख्या जिसे क्वांटम नंबर कहते हैं स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु चार क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जिसमें नंबर एक है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है इसे एन से प्रदर्शित करते, है। प्रिंसि, करते हैं नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे दिगंसी क्वांटम संख्या कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को प्रकट करती है इसे एल से प्रदर्शित करते हैं इसका न्यूनतम मान जीरो तथा अधिकतम मान एन माइनस वन होता है नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है इसे यम से प्रदर्शित करते हैं इसका मान यल के मान पर निर्भर करता है किसी यल के लिए यम का मान प्लस यल जीरो माइनस यल तक होता है नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है इसे यश से प्रदर्शित करते हैं किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या यम के लिए चक्रण क्वांटम संख्या यस का मान प्लस हाफ़ और माइनस हाफ होता है दोस्तों तो इसके बाद नेक्स्ट है पावली का अपौर्जन नियम पावलिस एक्सक्लूसन प्रिंसिपल 1925 में पावली ने एक अपौर्जन नियम दिया जिसे पावली का अपौर्जन नियम कहा जाता है और यह अपौर्जन नियम जो है वो क्वांटम नंबर के आधार पर है इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकता है अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के यनयल और यम के मान एक ही हों तो उसका चक्रण क्वांटम संख्या यश जो है वो विपरीत होगा नेक्स्ट है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक अवेलेबल है अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं एग्जाम्पल इसका है ऑक्सीजन आर्ट जैसे वन ईयर्स टू ईयर्स में फुल हो गया है वैसे ही जब टू पी में आता है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं जब पूरा फुलफिल हो जाता है नहीं भरने को आगे बचता है तब उल्टा इलेक्ट्रॉन भरता है इसके बाद है हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेन वर्स अनसर्टेनटी प्रिंसिपल इसके अनुसार किसी कण की स्थिति यानी कि पोजीशन और वेग जो वेलोसिटी है इसका एक साथ यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है इसके बाद नेक्स्ट है अब बाऊ का नियम अब्बाऊ प्रिंसिपल इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एस फोर एफ फाइव डी सिक्स पी और सेवन एस इसके बाद एक कार्बन का एग्जाम्पल देते हैं कार्बन सिक्स वन एस टू टू एस टू जो कि फुलफ़िल है उसके बाद टू पी सिक्स होना चाहिए लेकिन इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए देखिए यहाँ पे टू पी में वन वन इलेक्ट्रॉन भरा है बाकी का चार इलेक्ट्रॉन खाली है इसके बाद है समस्थानिक जिसे आइसोटोप कहते हैं समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है जैसे वन एच वन ही वन एच टू वन एच थ्री इसके बाद है संभारिक आइसोबार्स समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं जैसे अठारह अर्गन चालीस उन्नीस क्रिप्टन चालीस बीस कैल्सियम चालीस सब न्यूट्रानिक आइसोटोन जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सब न्यूट्रानिक कहते हैं जैसे वन एच थ्री और टू एच ई फोर इन दोनों परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दो दो है इसलिए यह सम्यूट्रानिक है इसके बाद नेक्स्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक Is... जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है जैसे नियान सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस दो एल्यूमिनियम प्लस तीन समलेक्ट्रॉनिक है इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो लाइन्स हैं उसको मैं विविध में करके दिया हूँ दोस्तों तो देखते हैं यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है तत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन चौदह का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है उन पदार्थों के द्रवणांग दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है जैसे मोम तांबा आदि क्रिशली पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाते हैं ढलवा लोहा बर्फ एंटीमनी बिस्मत पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है सांचे में केवल वे पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है आप लोग द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होता है दाब बढ़ाने से द्रव का कोथनांग बढ़ जाता है और दाब घटाने से द्रव का कोथनांग घट जाता है मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं मिश्र धातुओं का द्रवणांग उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे क्या कारण है कि लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि लोहे से बनी नाव पानी में तैरती रहती है दूसरा क्वेश्चन है जब शर्करा और नमक को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो कौन सा मिश्रण प्राप्त होता है तीसरा क्वेश्चन है क्या कारण है कि चांदी और सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती केवल मोहर लगाकर बनाई जाती हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चंस का मेरे अच्छी तरह आंसर देंगे आप लोग तो दोस्तों कैसे तो कैसी रही मेरी वीडियो दोस्तों वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये मेरा केमिस्ट्री का पहला वीडियो है इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों